बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस MLC समीर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी बात है तो हम लोग अपना समर्थन जरूर देंगे। पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस MLC समीर सिंह। देखिए, हम एक बिहारी के नाते अगर कोई बिहार का नेता बिहार का देश का राष्ट्रपति बनता है तो ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है, और बिहारी होने के नाते हम स्वागत करेंगे। और नीतीश कुमार जी अनुभवी राजनेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में कई बार से मुख्यमंत्री हो रहे हैं, और कोई भी पद के वो लायक हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम लोगों के समर्थन का सवाल है, कांग्रेस के समर्थन का सवाल है, वो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ही फैसला करेंगे। इस संबंध में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहारी होने के नाते अगर बिहार से कोई नेता राष्ट्रपति बनता है राजेंद्र प्रसाद जी के बाद तो हमें गर्व होगा। तो आपने सुना कांग्रेस MLC समीर सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बिहारी राष्ट्रपति बनेगा तो ज़रूर मेरा समर्थन रहेगा। लेकिन अंतिम मोहर जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगानी है, इस विषय में फैसला वो लेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में चर्चाएं जो है अब तेज़ हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है विपक्ष के राष्ट्रपति के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इन्हें अपना समर्थन देगी। कांग्रेस बिहार कांग्रेस भी साफ तौर पर कहिए कि एक गर्व की बात है कोई बिहारी राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे में कांग्रेस और हम लोग चाहेंगे कि अपना समर्थन दे, लेकिन अंतिम मुहर जो है इस विषय में वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं यह गर्व की बात ज़रूर है, और कांग्रेस भी चाह रही है कि कोई बिहारी जो है उस पद पे जाए। रामनाथ कोविंद फिलहाल अभी राष्ट्रपति हैं, और उनका एक रिश्ता जो है वो RSS और BJP से रहा है, और अब जो है चर्चा तेज़ हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे विपक्ष के तरफ से। राजनीति में चर्चाएं तेज़ हो गई है, हालांकि JDU इस पर अभी बोलने से कुछ नहीं कह रही है। साफ तौर पर JDU कहना है कि अभी इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, ना अधिसूचना जारी हुआ है, ना इस विषय में कोई ऑफिशियली बयान JDU की तरफ से है। लेकिन सवाल इसलिए उठ जाता है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, प्रशांत किशोर से मुलाकात करना, कई बड़े नेताओं से मुलाकात करना, राज्य देश स्तरीय नेताओं से मुलाकात करना, इससे बात का संकेत है, और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वो विपक्ष राष्ट्रपति चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। दिस कॉल में इतना ही, देखते हैं, नमस्कार।